बर्गर पिज्जा बनाने की विधि है, हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें डालेंगे ऑयल, डालेंगे प्याज, हमने इसको हल्का सा ही सौंधा किया है और बाकी हम अब डालेंगे शिमला मिर्च और गाजर और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हमने स्वीट कॉर्न, अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें डालिए, इसको अच्छे से चलाएँगे और ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस क्रंची रखना है। हम टमाटर और इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे होता है। तब तक हम बाकी सामान तैयार कर लेते हैं। चलिए गैस को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि आराम से हल्का सा ही क्रंची करना है इसको, ज़्यादा नहीं करना है रोस्ट। तो चलिए बाकी हम सामग्री बनाते हैं। ये टमाटर केचप लिया है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ओरेगानो, आप चाहे तो पीसेस भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डाला है मैंने ब्लैक पेपर, आधा चम्मच से भी कम हमने लिया है चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, इसको मियोनी इसको अच्छे से मिलाएंगे। हाँ, हाफ स्पून डालेंगे सहजवान की चटनी। ये देखिए हमारा बनके ये तैयार हुआ है। एक थोड़ा सा लेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ऑयल मिलाने के लिए। ये मिक्स कर लिया मैंने पनीर में सारा सामान, उसको साइड रखते हैं। बिल्कुल क्रंची सा हो गया है, ये ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है। बिल्कुल कलरफुल देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी उतना ही हेल्दी और टेस्टी है। अब इसमें हमने जो लाल वाली जो चटनी बनाई थी वो हम डाल देंगे, ब्लैक पेपर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हाफ इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से मिलाएंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें हल्का। ये हमारा कितना अच्छा क्रंची बन गया है, और इसको ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, बस इतना ही चाहिए हमें। अब गैस को बंद बंद करके अब हम इसमें पनीर को भी डाल देंगे। मैंने पनीर इसलिए बाद में डाला है, चलाते समय टूट जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए कर लिया है और इसको काट लिया है। अब हम इसमें मियोनी लगाएंगे इसमें साथ में, और मैंने उसी सामान से बनाया जो घर पे आपको इजीली मिल जाए, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियां भी आपके घर में ये होती हैं, ज़्यादातर आप लेके बना सकते हैं। आपके पास अगर मियोनी ना हो तो आप इस पर बटर भी लगा के बना सकते हैं। ये देखिए पार्ट्स में लगा दिया है, और हमें दोनों पार्ट्स में ही लगाना है ऊपर नीचे। अच्छे से इस पर स्टफिंग कर लेंगे इसकी, से हल्का सा चिली फ्लेक्स, हल्का सा ब्लैक पेपर। हम दोनों पार्ट्स को ऐसे करके इसको रख देंगे। अच्छे से हो गया हमारा। इसके बाद हम डालेंगे ये जो चटनी हमने लाल सॉस की बनाई थी, जो चिली टमाटर सॉस की। ये मैं अंदर चीज़ डालना भूल गई थी, मैंने सबसे ऊपर इसको चीज़ को डाला है, उसके बाद इसको लगाना है ऐसे। तो देखिए मैंने इस पर चीज़ डाला है दोनों पे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, हल्का से डालेंगे ब्लैक पेपर, हल्का से डालेंगे ओरेगानो। आराम से इसमें रखेंगे और हल्का सा डालेंगे पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे इसमें भाप बनेगा, उसकी वजह से ये हमारा जो ऊपर हम सिर्फ इसलिए रखेंगे जो इसके भाप से ना चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और बिल्कुल स्लो आंच पे ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो देखिए हमारा चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है, और कितने इजीली तरीके से हम घर पे बना सकते हैं इसको और खा सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छा ही बनाइए, खाने में भी बहुत टेस्टी है, और खाइए और घर पे बनाइए, फिर बताइएगा कैसा बना था। खाइए और एंजॉय कीजिए। अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।